अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। किताबों पे रिव्यू का ये सिलसिला हमारा चल रहा है। आज हम जिस किताब को रिव्यू करेंगे, ये हमने बड़ी मेहनत से लिखी है। इस किताब का नाम है डेटा साइंस इंटरव्यू, और इस किताब का जो लिंक है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आप ख़रीद सकते हैं गुफ्तगू पब्लिकेशन से। होता ये है कि डेटा साइंस के अंदर बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और डेटा साइंस क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इसमें हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। अब वो सब कुछ उनको कर रहे होते हैं और काफ़ी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बड़ा फोकस होता है। वो सेल्स फोर्स कास्टिंग कर रहे होते हैं, वो मशीन्स पर काम कर रहे होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को विजुअल सर्च में मिसाल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, NLP के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जब वो इंटरव्यू पर जाते हैं और इंटरव्यूअर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, उसको जवाब नहीं आता, और इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल सकती। और ये हम बार 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 में पेश आया कि बच्चा होता है बहुत अच्छा डेटा साइंस में काम कर रहा होता है, हम उसको रिफ़र करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, एसेंचर में, मैकिन्सी में, बेन में, अमेरिका की किसी कंपनी के अंदर, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। और ये मुसलसल बार बार ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमारे हाथ की ट्रेन की हुए बच्चे आगे जॉब नहीं ले पाते। जब हमने उनसे मालूम किया कि क्या हुआ, कौन से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बताया ये सवाल पूछे गए, तो इसमें हम कन्फ्यूज़ हो गए। हमने उन तमाम सवालों को, और सारी बातें इंटरनेट से, किताबों से और देख के भी, बाकी तमाम सवालों को कंपाइल करके इस किताब में लिख दिया है। तो इस किताब के अंदर स्टेटिस का पूरा बाब है, जिसमें आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह और कोरिलेशन वगैरह के फोल्ड वगैरह उसके बारे में बता दिया है। फिर मशीन लर्निंग का पूरा चैप्टर है, जिसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, वो तमाम की तमाम डिटेल्स बता दिए हैं। डेटा एनालिसिस के अंदर में सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वो सवालात जो उमूमी तौर पर पाकिस्तानी कंपनीज़ में पूछे जाते हैं डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए, और बाहर की कंपनी में पूछे जाते हैं, वो तमाम के तमाम प्लेन उर्दू के अंदर इस किताब में लिख दिए। कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये, या आपको शायद गुफ्तगू से सेल के ऊपर 500-700 रुपये की मिल जाए। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इससे तमाम वो स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट जिसको हमने इतना बड़ा हवा बना दिया है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। मशीन लर्निंग के, डेटा एनालिसिस के जो सवाल आते हैं वो भी आप कर सकेंगे, और ये किताब पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू में कामयाबी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि 90% से ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे इंटरव्यू कामयाब करने के लिए, स्पेशली अगर पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IBM में, दराज में, K-Electric के अंदर, एयरलिफ्ट के अंदर, वली के अंदर, Z2C के अंदर, किसी भी बड़ी जेरीज के अंदर, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर, तो इससे आपका काम बहुत, या बैंक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। स्टेटिस्टिक्स के ऊपर हमने एक अलग से किताब लिख दी है, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंसेस, दो उसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इंशाल्लाह ताला इस महीने आ रहा है, वो प्रिंटिंग के अंदर गई हुई है। ये इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, और इसमें आपको बिल्कुल कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और आपको पूरी की पूरी स्टेटिस्टिक्स रिवाइज़ करनी है, तो वो किताब आप ले लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आप शेयर कर दूँगा कुछ दिनों के अंदर वीडियो के अंदर, तो वो किताब आप ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे आपके स्टेटिस्टिकल तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI के लिए चाहिए। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, अपने आरा से हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको किताब पसंद आई नहीं आई, और इस किताब की मदद से आप कोई जॉब ले पाए या नहीं ले पाए। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।